use of function generator to generate the different types of the waveform. Very simple practical required kit of this practical: function generator and CRO. Function generator से आपको, this is a function generator, provide the 1 kHz frequency, provide the sine wave. The sine wave show on this CRO. Okay, the use of function generator, this is the function generator, this is the CRO, this is the CRO. Name of the resource is the CRO and function generator. First, turn on the function generator and provide the sine wave, triangular waves and square wave. These waves show on the CRO. First, this is the observation table. The name of the functions, the first provide the sine wave. First provide the sine wave. You know, provide the atelic napco sine wave. Yeah, sinusoidal wave. They provide the साइन वेव. यहाँ से आपको दिख रहा है कि आपने साइन वेव प्रोवाइड किया हुआ है. साइन वेव प्रोवाइड करने के बाद आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी, 1.01 kHz. तो 1 kHz आप लिख सकते हैं, जो 1000 Hz. यहाँ पे आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी 1000 Hz. ओके, एम्पलीट्यूड वोल्टेज इन होल्ड. आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिख रही है वोल्टेज की. The amplitude, this is the voltage, is 1 volt into amplitude voltage 1 volt, and time in second. यहाँ पे दिख रहा है time per division, time per second कितना आपका, 2 millisecond. ओके, आपको जो फर्स्ट प्रैक्टिकल हुआ था उसमें टोटली कैलकुलेशंस प्रोवाइड किया हुआ था. आपको साइन वेव 1 volt, साइन वेव 1 voltage, 2 millisecond टाइम पर सेकंड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 1000 Hz. वेवफॉर्म जो आपको दिख रही है वो है साइन वेव. आपको ऐसी वेवफॉर्म वहाँ पे निकालना है, साइन वेव. ओके, नेक्स्ट में आपको यहाँ से जो यहाँ पे आपको जो पार्ट दिख रहा है फंक्शंस, ये जो फंक्शन दिख रहे हैं फंक्शन से आपको चेंज करना है स्क्वेयर वेव. तो आपको स्क्वेयर वेव प्रोवाइड करते हो तो आपका स्क्वेयर वेव आपको यहाँ पे सीआरओ पे वो दिख रही है. ओके, दिस इज द स्क्वेयर वेव. स्क्वेयर आपको यहाँ से फिर यहाँ पे जाना है. कौन सी वेव दिख रही है आपको, स्क्वेयर वेव. स्क्वेयर वेव आपका वोल्टेज वही है 1 volt पर डिवीजन, वोल्टेज टाइम पर सेकंड वही है आपका. आपको ये टाइम सब फिक्स रखना है, सिर्फ मिलीसेकंड. फ्रीक्वेंसी भी सेम दिए हुए 1 kHz. ये टोटल आपको तीनों पार्ट्स क्या रखने हैं, सेम रखने हैं, 1000 Hz या और 1 kHz भी आप लिख सकते हो. ओके, आपको जो दिख रही है स्क्वेयर वेव इज द स्क्वेयर वेव. आप ऐसे स्क्वेयर वेव यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है. ओके, स्क्वेयर वेव. उसके बाद आपको थर्ड जो पार्ट है आपको प्रोवाइड करना है ट्रायंगुलर वेव. तो इसे अभी आपसे ट्रायंगुलर वेव, दिस इज द ट्रायंगुलर वेव. तो आपको ट्रायंगुलर जो प्रोवाइड करते हो आपको ट्रायंगुलर वेव्स सीआरओ पे दिख रही है. दिस इज द ट्रायंगुलर वेव्स. तो ट्रायंगुलर, नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है नाम ट्रायंगुलर वेव्स
यहाँ पे 1 वोल्ट, आप तो वोल्टेज वही रख रहे हो, टाइम वही है आपका, फ्रीक्वेंसी भी आपका सेम है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो वेव्स मिल रहा है वही ट्रायंगुलर वेव्स। तो प्रैक्टिकल जो था तो क्या, यूज ऑफ फंक्शन जनरेटर टू जनरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म्स आपको सी आर ओ पे या डी एस ओ पे आप देख सकते हो सेम। यहाँ पे हमने डी एस ओ की जगह जो यूज़ किया है वो है सी आर ओ। ओके, सी आर ओ के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव फॉर्म्स देख सकते हैं। आपको जो ऑब्जर्वेशन टेबल है इसमें आपको यहाँ पे साइन वेव आपने प्रोवाइड किया, वोल्टेज, टाइम और कौन कितना फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया है, और उसकी व्यूज आपको सी आर ओ पे कैसी दिख रही है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इजी प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आप ट्रायंगुलर वेव्स लिखोगे, ट्रायंगुलर, यहाँ पे वोल्टेज लिखोगे 1 वोल्ट, 2 मिली सेकंड, 100 किलोवाट्स, और आपके आपकी ट्रायंगुलर जो शो कर रही है वो। इजी प्रैक्टिकल है। कनेक्शन आपको जैसे आप फंक्शन जनरेटर का जो आउटपुट है आप कनेक्ट करो चैनल वन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे चैनल टू पे कनेक्ट किया तो चैनल टू पे आपको वो सी होगा। ओके, दिस इज अ प्रैक्टिकल ऑफ द यूज ऑफ फंक्शन जनरेटर टू जनरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव फॉर्म शोन ऑन सी आर ओ। ओके, थैंक यू।